आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल तीन साइड से बना हुआ एक क्लोज शेप है। ट्रायंगल तीन साइड से बना हुआ एक क्लोज शेप है। इसमें तीन साइड और तीन एंगल होता है। इन्हीं साइड और एंगल के माप के आधार पर या माप में होने वाले बदलाव या चेंज या परिवर्तन के आधार पर इसके प्रकार निर्धारित होते हैं। सबसे पहले हम इसके साइड के माप के आधार पर हम इसे बांटते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिकोण कहलाता है। ऐसे ट्रायंगल जिनको के तीनों साइड इक्वल होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। और ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं वो आइसोसेलिस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिकोण कहलाता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, इसके सारे साइड अलग अलग माप के होते हैं, ऐसे त्रिकोण को मिस्कैलीन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिकोण कहते हैं। अब हम इसे कोण के आधार पर बांटते हैं या इसे हम एंगल में होने वाले बदलाव या परिवर्तन के आधार पर हम बांटते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जो कि जिसके तीनों कोणों का माप 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होता है इसे हिंदी में हम अधिक कोण त्रिकोण या त्रिभुज कहते हैं। हमारा तीसरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हिंदी में हम समकोण त्रिकोण कहते हैं। इसमें एक कोण का माप 90 डिग्री होता है और इसका जो अपोजिट वाला साइड है वो सबसे लंबा होता है।